यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची जारी की है और इस सूची में भारत के 14 शहर शामिल है। सूची में सबसे पहले नंबर 1 पर कानपुर है और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के मामले में भारत की स्थिति काफ़ी ख़राब है। वहीं पिछले साल भारी स्मोक का सामना कर चुकी दिल्ली इस लिस्ट में छठे स्थान पर है। 2015 में दिल्ली का स्थान चौथा था और WHO की ताज़ा आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में PM 2.5 एनुअल एवरेज पर 143 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है, जो नेशनल सेफ स्टैंडर्ड से 3 गुना ज़्यादा है। भारत के प्रदूषित शहरों में पहले स्थान पर कानपुर और उसके बाद फरीदाबाद, वाराणसी, गया, पटना, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, मुजफ्फरपुर, श्रीनगर, गुरुग्राम, जयपुर, पटियाला और जोधपुर शामिल है, जबकि 15वें स्थान पर कुवैत का अली सुबह अल शलीम शहर शामिल है। आपको बता दें कि 2010 में प्रदूषण के मामले में भारत की स्थिति बेहद खराब थी और तब दिल्ली टॉप पर था। हालांकि इतने सालों में सरकारों ने इस पर नियंत्रण पाने के लिए काफी प्रयास किए थे। 2016 में केजरीवाल सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई कदम उठाए और ऑड इवन शुरू किया गया। पेड़ों की धुलाई से लेकर सड़कों पर पानी का छिड़काव आदि कई उपाय किए गए। 15 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ PM 2.5 कंसंट्रेशंस विद द वर्स्ट बीइंग कानपुर ऑन टॉप ऑफ अ लिस्ट ऑफ 4300 वर्ल्ड सिटीज मॉनिटर्ड फॉर देयर एयर पोल्यूशन लेवल्स इन 2016। द नेक्स्ट 13 सिटीज इन द लिस्ट रोज फ्रॉम कैपिटल बैंगकॉक ऑन द फोर्थ स्पॉट बीइंग ऑफ चाइना एंड उलानबातर ऑफ मंगोलिया अमंग द फर्स्ट 17। और इस खबर पर हमारे सहयोगी कमल कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो कमल, बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो प्रदूषण को है वो काबू में नहीं लाया जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली में भी देखा जाता है और इवन को लागू किया जाता है, बावजूद इसके जो प्रदूषण है वो लगातार ज्यों का त्यों रहता है। बिल्कुल, कितनी चिंता का विषय है ये भारत के उन तमाम शहरों के लिए जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। मंगलवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कीर्ति जिनेवा में ये दुनिया के 15 सबसे जो प्रदूषित शहर है उनकी सूची जारी की गई है और इसमें भारत के 14 शहर शामिल हैं और ये ही अपने आप में हैरान कर देने वाली खबर है और ये चिंता का विषय उन शहरों के लिए है, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा हूँ। इसके अलावा कीर्ति, कानपुर पहले पायदान पर है, दिल्ली को मात देकर पहले पायदान पर आया है और ये कतई भी ठीक बात नहीं है कानपुर वासियों के लिए भी। और वही सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली छठे स्थान पर 2016 में आया है। WHO की रिपोर्ट ये बताती है कीर्ति कि वायु प्रदूषण के मामले में भारत के 14 शहरों की जो स्थिति है बेहद खराब है, ज्यादा खराब है। इस सूची में उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर जो कि कानपुर ही आता है वो पहले पायदान पर है। कानपुर के बाद फरीदाबाद भी आता है, हरियाणा का फरीदाबाद, उसके बाद वाराणसी, गया, पटना, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, मुजफ्फरपुर और श्रीनगर के अलावा और हरियाणा का ही दूसरा शहर गुरुग्राम भी इस लिस्ट में आता है। उसके बाद जयपुर, पटियाला, जोधपुर, ये भी तमाम शहर ऐसे हैं जिनके नाम टॉप पर हैं, 14 शहर हैं इनमें शामिल है। और 15वें स्थान पर जाकर जो है कुवैत का एक अली सुबह अल शहर है, उसका स्थान आता है। और ये भी कमल, जिस तरह से भारत पहले 15 स्थानों में है तो इस पर सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए कीर्ति, मैं आपको बता दूं कि WHO की रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया है कि जो सकारात्मक बात है भारत के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना जो है उसका जो है चर्चा की गई है इस रिपोर्ट में। और इस योजना के तहत गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं होती है उनको किफायती दर पर जो है LPG कनेक्शन मुहैया करवाए गए हैं सरकार की ओर से और इससे इन महिलाओं को लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाने से जो है निजात मिली है। रिपोर्ट में इसका जिक्र जरूर किया गया है, लेकिन बावजूद इसके जो है वायु प्रदूषण के जो ताजा आंकड़े हैं वो खतरनाक है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया के कुछ देशों में सकारात्मक प्रगति देखी जा रही है, लेकिन ये भारत के लिए बेहद ही कमल, जिस तरह से पहले खबरों में लगातार दिल्ली चर्चा का विषय बना रहता था कि दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन इस बार ये हैरान करने वाली बात ये है कि कानपुर सबसे पहले स्थान पर आया है। बिल्कुल कीर्ति, आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में PM 2.5 वार्षिक औसत 143 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा मानक से 3 गुना ज्यादा है, जबकि PM 10। शुक्रिया कमल कौशिक हमारे साथ बने रहने के लिए। तो यहाँ पर बेहद ही चिंता का विषय है कि कानपुर सबसे पहले स्थान पर आया है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर उसे बताया गया है।